आपका स्टॉन्स ऑफ सक्सेस के लिए पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। और मंडल तो बोलता ही है भाई, जैसे ही कोई जिंदगी में आपका सक्सेस मिला तो बंदा को क्या करना चाहिए, डीजे लगा के नाचना चाहिए। यस तो डीजे मुझे लगा के नाचना शुरू कर दो, फ्रेंड्स में उसको बुलाओ, ठीक है, घर में जो हमारा जो फैमिली वाले है उसको बुलाओ, बुला के डीजे लगे नाचो। मेरा कहना एक ही बात है भाई, जिंदगी में सक्सेस जो मिलता है उसके लिए कितना आपने मेहनत किया, तो यस सर उसको अगर हम रिजॉयस ना कर पाए, उस सक्सेस को अगर हमने एंजॉय ना कर पाए, उस सक्सेस को अगर हम सेलिब्रेट ना कर पाए, तो फिर बेकार किया ही क्यों। इसलिए पहले, सबसे पहले बात होता है कि डीजे लगा के नाचना जरूरी है। एंड उसके बाद आपको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता में मिलेगा, उसके लिए तो मैं पहले यहाँ बैठा हूँ, पोस्ट ग्रेड गाइडेंस में शुरू करूंगा, उसमें सब सब कुछ बता दूंगा। लेकिन पहले आपका जो सक्सेस है उसके लिए बहुत बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे बारे में, कि तुम कहाँ से क्या किए थे, उसके बाद कैसे किया, मतलब जर्नी, सक्सेस सक्सेस स्टोरी होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा स्टूडेंट ये जानना चाहता है, व्हाट इज योर सक्सेस स्टोरी, समीर बताओ। तो सर मैं 2022 का बीटेक पास आउट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम IIIT जबलपुर, मतलब इस डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। सर उसके बाद फाइनल ईयर में तैयारी कर रहा था गेट की फॉर मैकेनिकल एंड एज सर आप प्रोडक्शन पढ़ाता है, लेकिन पीआई वाले का सिर्फ बोलते रहता है कि इसके बाद आप कर लो, ठीक है, सर। यस जैसे सर कोई जैसे गाइडेंस? फोर्जिंग यस सर का एनालिसिस है, फॉर्मिंग का एनालिसिस है, मैंने बोलता हूँ भाई पीआई में आता है, पीआई वाले कर लो, फिर मैंने आपको सबको ओद दे देता हूँ। इसमें क्या होगा, स्टूडेंट को खुद से थोड़ा एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए होता है। मैकेनिकल में जैसे सारे रेडीली अवेलेबल चीज मिल जाता है, पीआई में उतना रेडीली अवेलेबल यस सब सर कुछ नहीं मिलता है, कुछ तो मिल ही जाता है, जो ये सब मैकेनिकल सबसे मेजर कॉमन है वो पोर्शन तो मिल ही नहीं जाता है। सर। हाँ, लेकिन बहुत सारे चीजें जो आपको खुद से करना पड़ता है, किताब से पढ़ना पड़ता है। यस सर जैसे ही मेरे से जब भी कोई गाइड लेने का आता है, मैं एक ही चीज बताता हूँ भाई तुमको, जैसे हम प्रोडक्शन का पढ़ा रहा है उसमें मैंने पीआई का सारे क्वेश्चन जब ऐड किया हूँ, बट वो तो पीआई का पीवाई क्यों है ना, उसके यस साथ सर साथ जो एक्स्ट्रा जो टॉपिक है वो आपको कहाँ से करना है, बाफासरीन से आपको इंडस्ट्रियल का कुछ करना है, ये सब सारी चीजें वहाँ पे पीआई वाले ब्रांच के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ता है, जो पीआई के लिए देना चाहता है गेट। इसलिए हम मैकेनिकल वाले को ज्यादा प्रेफर करते हैं एक सी दे दो, ठीक है, मैकेनिकल यस वाले को सर मैं बोलता हूँ ज्यादा एक सी दे दो, और जिसका पीआई बैकग्राउंड है उसको बोलता हूँ तुम पीआई दे दो, यस ठीक सर है, जैसे पीआई से अगर कोई बीटेक किया है तो उसका बोलता हूँ पीआई दे दो, और नहीं तो भाई तुम मैकेनिकल है तो एक सी दो, बट दो गेट पेपर जरूर दो, क्योंकि एक में थोड़ा कम होगा तो दूसरा में यस सर अच्छा आएगा, तो फिर आपका जिसमें अच्छा आएगा उसका अपॉर्चुनिटी लेके हम जाएंगे, यस सर यस सर ठीक है। सर तो इसमें मैं एक तुमने ऐड करूंगा। सर आपने एक समय एक वीडियो यूट्यूब वीडियो देखा था मैंने आपके, उसमें आपने बोला था कि जो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करा रहा पेपर उसका प्रीवियस ईयर ढंग से करना, वो मैंने देखा था आईआईटी कानपुर ने 2015 और 2007 में कंडक्ट करवाया था गेट पेपर। हाँ तो हाँ मैंने उसका पीआई का पेपर डाउनलोड करके 2 बार उसको सॉल्व कर लिया था, मैकेनिकल और पीआई के एग्जाम के बीच में, अच्छा मतलब मैं उसमें 4 दिन का गैप था, हाँ हाँ फोर्थ हाँ फेब्रवरी को मैकेनिकल था, 11th को पीआई था। तो अच्छा वो दो पेपर मैं 2 बार कर लिया था, तो उसमें से दो क्वेश्चंस थे जिनका कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट सेम आ गया था, तो देखो वो मुझे, यस सर, यही है कि देखो यस बात किया था ना पीयूआईक्यू का, जैसे गेट का, आईआईटी का, आईआईटी का जो एंट्रेंस होता है, यस नीट सर का जो एग्जाम होता है, उसमें बच्चे पीयूआईक्यू क्यों करता है कि भाई वो डायरेक्ट पीयूआईक्यू एग्जाम में नहीं आने वाला, यस सर लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ डेटा चेंज कर देगा, अंग्रेजी चेंज कर देगा, इसलिए यस सर उसके लिए पे टेस्ट दो। और जैसे यस पीआई में टेस्ट भी थोड़ा कम मिलता है, दिस इज सर वेरी ट्रू फैक्ट, क्योंकि हम ज्यादातर पीआई में फोकस करते ही नहीं, हम मैकेनिकल एक्सी इसी में सारे फोकस करके चलते हैं, तो पीआई में हम ज्यादा फोकस नहीं करते। इसमें तो आप बिल्कुल सत्य बात बोला है, जैसे अगर हम ही बोला जाए कि आप प्रोडक्शन पढ़ाते हो लेकिन फिर भी पीआई में ज्यादा फोकस नहीं करते हो, भाई मुझे जो टाइम है, जैसे सब लोग उसके लिए ये नहीं होता ना, ज्यादातर यस स्टूडेंट सर पीआई का नहीं देता है, पीआई का जो बैकग्राउंड है उसके वाले बच्चे ज्यादा देता है एग्जाम, और अगर ज्यादा लोग देंगे हम करा देंगे, उसमें क्या जाता है, हमें तो हमारे पास तो सारे कंटेंट रेडी है। तो उसके लिए आपने बहुत अच्छा से ये निभाया, एंड ये जो रैंक आपने लेके आया, ये जो टॉप में आप आए हैं, देखो क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री, यू आर क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री, सबसे पहले ये बात ध्यान रखें।
और ये भी एक बात ध्यान रखिए, जो क्रीम टैलेंट है, सर टैलेंट आपका है लेकिन आपको शो करना पड़ेगा एग्जाम में। यस आपके पास टैलेंट था पहले से ही था, ऐसे नहीं कि आ जाए, बट उस टैलेंट को शो करने के लिए एग्जाम सेंटर में जब आपको शो करना है ना, तो यस वहां पे क्या होता है, दो चार मिस्टेक हो जाते। अब वो मिस्टेक कैसे सुधारे, पर सर वो एग्जाम सेंटर में नहीं सुधार सकते, उसके लिए हमें टेस्ट दे दे के उस मिस्टेक को सुधार के जाना चाहिए। आपने जितना भी टेस्ट दिया, यस क्या उसका एक का भी मार्क्स अभी मैटर करता है? आई नो सर कोई मार्क्स मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि उसमें जो गलती हुआ था वो आपने सुधार लिए थे, तो ये एक्चुअल एग्जाम में जाके वो गलती नहीं हुआ, बस आगे टॉप में। तो यस इसमें क्या सर होता है कि आपको पढ़ते रहना है, टेस्ट देते रहना है, और ज्यादातर बच्चे का टेस्ट से इतना एलर्जी है समीर मैं क्या बताऊं। मैं तो यस यस सर इसी इसी फील्ड में, मैं तो मेरा तो 20 साल हो गया, 20 ईयर्स आई एम इन दिस फील्ड। बच्चे का सबसे ज्यादा एलर्जी रहता है टेस्ट देने, और यस सर क्यों, वो मैं डिले टेस्ट करते का जाते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिले, डिले करेगा। मैं बाद में टेस्ट दूंगा और यस सर टेस्ट दे के मैं ऐसा मार्क्स लेके आऊंगा, दुनिया को दिखा दूंगा मैं टेस्ट में कितना मार्क्स ला सकता हूँ। पहले तो यस बात ही गलत है, आपका टेस्ट का मार्क्स कोई दुनिया में देखने वाला ही नहीं है। ठीक है, यस सर सिर्फ यस सर टेस्ट का गलती से सुधारना आपको जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बार बार कहा, और तुम भी समीर भी ने जो बोला कि भाई टेस्ट जम के देते रहो, और टेस्ट कम मिला तो उसको मैंने मैकेनिकल का टेस्ट दिया। मतलब आई एम सो हैप्पी टू नो कि भाई ठीक है, मेरा पीआई ब्रांच में टेस्ट मुझे कम मिल रहा है, तो मैंने मैकेनिकल का भी टेस्ट दे देता हूँ। ठीक है, मैकेनिकल से पीआई में सिलेबस में ज्यादा ही है, थोड़ा ज्यादा ही है सिलेबस उसका, जो ये प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल का, बाकी तो सारे सब्जेक्ट का मोस्टली सेम ही है। ठीक यस सर है, तो इसके कारण आपका मैकेनिकल में भी अच्छा हो जाएगा, पीआई में भी अच्छा हो जाएगा, तो इसके कारण आपका जो है टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो पीआई का कोई भी स्टूडेंट है, ये प्रॉब्लम आपके लिए भी होगा, तो मैं भी सजेस्ट करूंगा जैसे समीर ने किया, पीआई का भी टेस्ट दो, मैकेनिकल का भी टेस्ट दो, लेकिन टेस्ट देते रहो और सुधारते रहो। जिंदगी में हम कभी भी एक बार में परफेक्शन नहीं ला सकते। अगर आपको बाइक चलाना है तो पहले आपको हिलते हुए ही जाना है, और ऐसे यस हिलते सर हुए चलते हुए आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके वो सीधा हो पाओगे। और कॉम्पिटेटिव जब भी सेम है, पहले आप जब प्रैक्टिस करने जाओगे मार्क्स कम आएगा, गलतियां होगा, उसको सुधार लो, और सुधार ले तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा लगा समीर, तुम बताओ फिर हमारा स्टूडेंट को क्या गाइड करोगे, कैसे स्टूडेंट को प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन सा चीज के, जैसे डू एंड डोंट्स मैंने सोचना सोच रहा हूँ कि आप ऐसे बताओ, डू एंड डोंट्स क्या क्या करना चाहिए, एक दो पॉइंट, तीन पॉइंट जो आपको लगे, एंड क्या क्या नहीं करना यस सर चाहिए। समीर तो प्लीज सर पहले प्लीज। मैं डूज बताता हूँ। सर पहले तो जैसे कि टेस्ट सीरीज कम है, लेकिन सर हमको पता है कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन के मैक्सिमम टेस्ट दे दीजिए, मोर एंड लेस सेम सिलेबस है। कुछ क्वालिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रोडक्शन में एक्स्ट्रा ऐड होते हैं एज कम्पेयर टू मैकेनिकल में। वो क्वालिटीज के सब्जेक्ट आपको यूट्यूब कहीं रिसोर्सेस में मिल जाएंगे, और उसका वेटेज बहुत कम होता है, 2 और 3 क्वेश्चंस। तो आप अगर उसको बस थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। उसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए आपके प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल और जो थोड़ा बहुत मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए। और सर दूसरा चीज की कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। आपको टेस्ट में लगेगा कि आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, बट आप बस उसको इम्प्रूव करिए कि टेस्ट को देने के बाद उसे छोड़ मत दीजिए। 2-3 बार उसको देखिए कि क्या गलती हुई थी, या उसको अटेम्प्ट कर लीजिए वापस। आपको 2 या 3 घंटे और लगेंगे, बट आप कर लीजिए, उससे आपको बेटरमेंट ही मिलेगा रेदर देन कि आप एक नया टेस्ट दे दें। और सर बस मोटिवेट रहना जरूरी है इस चीज में, क्योंकि सर कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और आपको लगेगा कि वाई आई एम डूइंग दिस। मतलब ये आपके मन में आएगा कुछ कुछ समय में, बट आप तुम्हारा मन में ना भी आए, सोशल मीडिया से तुम्हारा मन में आ ही जाए। यस सर सोशल मीडिया आपको दिखाएगा कि दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ एंड आई एम डूइंग दिस। हाँ ये हाँ थोड़ा आता है मन में, बट सर आप हाँ उसको अवॉइड करें और अपने आप में मोटिवेट रहे कि मैंने जर्नी स्टार्ट की है तो खत्म करने के बाद मैं सोचूंगा, बीच में नहीं छोड़नी है। ये था सर। और सर मैं यही बात डोंट्स स्टूडेंट में को बोलूँ। कंपैरिजन सर यस डोंट्स में समीर मैं ये कंटिन्यू। बोलूंगा कि सर डोंट्स में मैं बोलूंगा सर आप किसी से कंपेयर मत कीजिए, अपने आप से कंपेयर कीजिए। और
आप डिमोटिव, क्योंकि सर इतना कंपटीशन है, इजली डिमोटिवेट हो जाते हैं पीपल. दूसरे के मार्क्स देखे, टेस्ट सीरीज में मार्क्स देखे, रैंक देखे कम आ रही है, कंटिन्यूअस ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, बट वो इम्प्रूव करेगा इफ आप उसको थोड़ा सा ध्यान से करें. क्योंकि सर मैंने देखा है कि लोग बहुत सारे टेस्ट लगाने के पीछे चले जाते हैं रेदर कि उसको एनालाइज करें, यहाँ कभी टेस्ट सीरीज वहाँ कभी टेस्ट सीरीज. तो ये थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं. आप जितने टेस्ट दें उसको 2 बार दें, एक बार आप माहौल में जो 3 घंटे बैठ के होता है वो, और एक बार आप उसको एनालिसिस में. और सर डोंट्स में तो सर सोशल मीडिया को आप अवॉइड कीजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब यूज कर सकते हैं, मैंने एकदम ही कट ऑफ नहीं किया था, यूज कर सकते हैं, बट आप उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, मतलब आप उसको यूज कीजिए, वो आपको यूज ना करे, क्योंकि बिल्कुल, बहुत अच्छा बात बोला है। सर. देखो, सोशल मीडिया, मोबाइल, ये सारे चीज का एक चीज है कि आपका टाइम खराब कर दे। यस सर. और अभी खेल किसका है? टाइम का। 4 साल का इंजीनियरिंग तुम्हें 10 महीने में, 11 महीने में खत्म करना है, और 4 साल में जितना इफेक्टिवली नहीं होता उससे अच्छा इफेक्टिवली। तो फिर आपका अगर टाइम जो खा सकता है, जो जो चीज टाइम का टाइम खराब कर सकता है, वो चीज से दूर रहना चाहिए। नॉट ओनली सोशल मीडिया, कोई भी चीज जो आपका टाइम को खराब कर सकते है। ठीक है, जिंदगी में क्या होता है ना, तुमसे अगर, हमसे अगर कोई पैसा छीन ले, हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो टाइम छीन लिया तो वो नहीं कमा सकते, वो तुमने गवा देते। और ये चीज का वैल्यू स्टूडेंट के पास नहीं होता, जिसका उसका दिक्कत है। जिसके पास ये वैल्यू है वो सोशल मीडिया करते हुए भी पढ़ लेगा। यस सर. तो एक टाइम का वैल्यू दे, क्योंकि हमारे, आपके पास सबसे कीमती अभी टाइम है। क्योंकि टाइम यह है कि 4 साल का कोर्स आपको करना है 10 महीने में। अब सोचो कि उसके लिए कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, और वो एफर्ट डालते रहेंगे और लगातार डालते रहेंगे तभी इम्प्रूव होगा। और देखो समय, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कॉम्पिटिटिविज्म का है। जिंदगी में जो सक्सेस है वो एक होता है, और उस सक्सेस अचीव करने के लिए हमें ना 1000 बार फेल हो जाए, और जो उस फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई जो हुआ वो हमारा, जो गलती से हुआ, भाई इंसान हूँ, गलती हो सकता है, तो हम अगर वो गलती सुधार ले फिर हमें क्या जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है, नहीं मैं कैसे गलती कर सकता हूँ, मैं तो तोप हूँ, मैं तो महान हूँ, मैं तो ये नहीं। पर इसी से क्या होता है कि आपका जिंदगी में भी प्रॉब्लम आता है, प्रिपरेशन में। बाकी लोग क्या कर रहा है, बाकी का क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस धरती में। बाकी तुमसे आगे है पीछे, उससे तुम्हें क्या मतलब है। तुम खुद को इम्प्रूव करते जाओगे, तुम अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। मेन चीज है कि अपना खुद का इम्प्रूवमेंट करता रहना है। तो उसका इम्प्रूवमेंट का तरीका एक ही है, जम के पढ़ाई करे, जम के टेस्ट। जो जम के पढ़ाई किया, जैसे हमने देखे आपने देखे होंगे कि दीन ई इलाही में जो क्वेश्चन रहता है, सिर्फ उसका डेटा चेंज होकर क्वेश्चन आता रहता है। अब डेटा चेंज होकर क्वेश्चन आता रहता है, तो आप डेटा चेंज वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ से? टेस्ट में। और कहाँ से मिलेगा? टेस्ट में। तो आप जो है पढ़ रहे हो जो चीज, वही चीज है, कॉन्सेप्ट वही है। अब मुझे बताओ कि आपने जो पढ़े थे, जितना भी आप पढ़े थे, उससे कितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया कि जो टॉपिक आपने कभी देखा ही नहीं, ऐसे कितना क्वेश्चन आ गया कि सर मैक्सिमम? अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 मार्क्स बस. बस यस अब सर. सोचो, तो आप वो अगर 3 या 4 मार्क्स के पीछे आप भागोगे तो आपका सिलेबस डबल से ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि यस सर. आपने छोड़ा जो जो टॉपिक है, वो कितना टॉपिक है, मैकेनिकल का एक एक बुक है, जैसे एक एक ऐसे बुक इतना मोटे मोटे होता है। आप उसको अगर पूरा यस करने का सर. प्रयास करोगे तो तब जाके आपका पूरा आएगा। फिर उसके बाद भी पूरा नहीं आता है, हो सकता है 2 बुक पढ़ना पड़े तब जाके आएगा एक एक सब्जेक्ट का। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या फिजिबल है? तो हमारा का 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आता है जो मैंने अभी पढ़ा नहीं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें अगर नहीं कर पाए, तो इसलिए जो पढ़ रहे हो उसमें फोकस करें। उसके बाद बार बार आपका जो प्रैक्टिस वाला चीज है उसको प्रैक्टिस करें, एंड उसके बाद जितना बार प्रैक्टिस करो उतना बार टेस्ट दे। मैं अभी एक लगाया हूँ, हर बार आप रिविजन करें और हर बार टेस्ट दे। और टेस्ट दे के जैसे तुमने एनालिसिस किया समीर, सेम मैं बताता हूँ कि भाई सब लोग भर भर के एनालिसिस करें, मेरा गलती कहाँ हो रहा है और ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या जुगाड़ लगाना है, सो दैट हमारा ये गलती दोबारा ना हो। चलो, बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा ज्यादा टाइम हम खराब नहीं करेंगे, और ऑल द बेस्ट।